Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16। द्वाविमो पुरुषो लोके द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरशक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ्वक्षर उच्यते श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16। द्वाविमो पुरुषो लोके चराक्षरक्षरे वच द्वाविमो पुरुषो लोके चराक्षरक्षरे वच चरा सर्वाणि भूतानि अक्षर उच्यते श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16। द्वाविमो पुरुषो लोके चरशक्षर एव च चर सर्वाणि भूतानि कुटस्थक्षर उच्यते पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। द्वाविमो पुरुषो आवाज नहीं, घंटी बज रही है। नेक्स्ट आप प्रभु जी पूजा करिए, फिर से पढ़ देते प्रभु जी। पढ़िए, पढ़ दे प्रभु जी फिर से। पढ़िए। द्वाविमो पुरुषो लोके चरशर उच्यते। हरि बोल प्रभु। यस। द्वाविमो पुरुषो लोके चरशर एव च चर सर्वाणि भूतानि कुतस्तो अक्षर उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पुरुषो लोके अजीब च हरे कृष्ण प्रभु जी। द्वे विमो पुरुषो लोके चर अक्षर एव च चर सर्वाणि भूता नेक्स्ट। अगला हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। पढ़ी आप पढ़ेंगी? हाँ पढ़ी। सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर क्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। और कोई माता जी? में अंजलि माता जी पढ़ लिया?
हरे कृष्ण प्रभु जी यस वायु पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटोस्थो क्षर उच्यते हरे कृष्ण वेरी नाइस वेरी गुड यस हरे कृष्ण यस माता जी द्वाविमो पुरुषो लोके शराक्षर एव च शरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते वेरी नाइस यस नेक्स्ट अंजलि माता जी पढ़ लिए द्वाविमो पुरुषो लोके शराक्षर एव च शरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा ठीक है और कोई पढ़ेंगे हरे कृष्णा प्रभु जी गौरव चंद प्रभु माता जी और प्रभु जी का अलग अलग होता है तो प्रभु जी लोगों का जब टाइम हो उसमें आप पढ़िए ठीक है आज पढ़िए लेकिन माता जी लोग शुरू करें उससे प्रभु जी लोग ओके पढ़िए पढ़िए हरे कृष्णा मैं पढ़ूं प्रभु जी पढ़ी हाँ प्रभुपाद की जय द्वाविमो पुरुषो लोके शर चाक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो शर च उच्यते श्रील प्रभुपाद की जय शब्दार दो दो इमो ये पुरुषो जीव लोके संसार में शरः च्युत तथा अक्षर अच्युत एवं तथा क्षर च्युत सर्वाणी समस्त भूतानि जीवों को कुटस्थ एकत्व में अक्षर अच्युत अच्युते उच्यते कहा जाता है अक्षर अच्युत उच्यते कहा जाता है अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं क्या जीव दो प्रकार हैं च्युत तथा अच्युत भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ओके तो समझ में आ रहा है आप लोगों को आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है और यह श्लोक बहुत उत्साह वर्धक करने वाला है उत्साह वर्धक क्यों करने वाला है अब देखिए इसको त्रिलोकी शास्त्र भी कहा जाता है और त्रिलोकी त्रिश्लोकी गीता भी कहा जाता है मतलब तीन श्लोकों का शास्त्र इसको कहा जाता है मतलब सारे वेद वेदांत का जो सार है उसे भगवान केवल तीन श्लोक में बोल रहे हैं है ना जो भी सार है उसको भगवान केवल तीन श्लोक में बोल रहे हैं तो हमको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा अब अगर आपको याद हो तो भगवान कहे थे पिछले श्लोक में कि भगवान वेद के वेद दे करके वेदांत दे करके भगवान मुक्ति की सुविधा देते हैं तो वेदांत का ज्ञान है वह भगवान केवल तीन श्लोक में बोल रहे हैं जो पूरे वेद और वेदांत का ज्ञान है उसको भगवान केवल तीन श्लोक में बोल रहे हैं और इसको भी पहले हम थोड़ा सार जान लें कि इस तीन श्लोक में क्या सीखने वाले हैं क्योंकि जब विषय क्लियर हो जाता है ना तब समझ में आता है ठीक है क्या सीखने वाले हैं बद्ध जीव के बारे में पहला नोट डाउन करिए किसके विषय में बद्ध जीव के बारे में हम सब लोग कौन है बद्ध जीव है एक हो गया बद्ध जीव दूसरा हो गया नित्य मुक्त जीव ठीक है जो भगवान के धाम में रहते हैं उनके बारे में दूसरा कौन सा हुआ नित्य मुक्त जीव जो कहाँ रहते हैं भगवान के धाम में और तीसरा हो गया उन दोनों के स्वामी कौन भगवान कृष्ण के विषय में तो तीन टॉपिक कौन कौन से हो गए बताइए तीन सब्जेक्ट तीन सब्जेक्ट कौन से हो गए आवाज नहीं आ रही है क्या
अरे पहले वो जो मुक्त नहीं हुए मतलब से है भगवान के नित्य धाम में रह रहे हैं और तीसरे भगवान स्वयं। आप लोग सही से बोल रहे हैं या फिर मेरा ही आवाज मेरे को लैपटॉप में अच्छे से नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत। हरे कृष्णा देवा, तीन कौन से सब्जेक्ट हो गए? बद्ध जीव और फिर नित्य मुक्त जीव जो भगवान के तीन सब्जेक्ट के विषय हम लोग सीखेंगे, तीन सब्जेक्ट सुनेंगे। एक हो गया भगवान के विषय में, सॉरी एक बद्ध जीव, कौन सा बद्ध जीव और नित्य मुक्त जीव और भगवान कृष्ण के विषय। क्लियर है? तीन विषय, बद्ध जीव, नित्य मुक्त जीव और भगवान कृष्ण, जो भगवान है, स्वामी है, ठीक है, ईश्वर है, उनके बारे में। और क्या कहा जाए, इसके फायदे, इसके अलावे कहते हैं इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं है वेदांत में। तीन ही क्या क्या, एक हो गया बद्ध जीव, एक हो गए नित्य मुक्त जीव और एक हो गए भगवान के भगवान कृष्ण। यस, इन तीनों श्लोकों को जानने का फायदा क्या होगा? अब कहते हैं कि इन तीनों श्लोकों को जानने का क्या फायदा होगा, कहते हैं जो व्यक्ति इन तीनों श्लोकों को जानता है ना, वह यह सब कुछ जानता है, कौन बद्ध जीव है, कौन मुक्त जीव है, भगवान कौन। अब यह बात कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, भगवान, भगवान बोल रहे, ठीक है। और कह रहे हैं कि उसका प्रयास कभी निष्फल नहीं जाता है और वह निश्चित रूप से भगवत भगवान की प्राप्ति करेगा, ये भगवान बोल रहे हैं। आगे आप सुन लीजिए, ठीक है। अब इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक शब्द देख रहे होंगे आप, लोके। लोके जो शब्द है उसका अर्थ लिखा है संसार में, यहाँ पे प्रभुपाद उसको संसार में लिख रहे हैं। और टीका में लिखा गया है लोके मतलब पुराण में, स्मृति ग्रंथ इत्यादि। अब यह शब्द आगे दो तीन बार आएगा, यहां भी आएगा और फिर 18वें अध्याय। देखिए वेद सीधे भगवान से प्रकट हुए हैं, ये आधार है ना, भगवान के सांस है और उनके आधार में संसार में इस जगत में ऋषि मुनियों ने पुराण आदि ग्रंथों ग्रंथ जो है लिखी है, ठीक है, स्मृति ग्रंथ। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं द्वा इमो पुरुषो लोके, इस संसार में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, कौन से, क्षरा अक्षर एवच। एक क्षर है जो परिवर्तनशील और एक अक्षर है, अक्षर मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, Yes, जो अपरिवर्तनशील है, ठीक है। अब यह प्रश्न खड़ा होगा कि इस जगत में हमें नित्य मुक्त जीव तो दिखते नहीं है, तो यहाँ पर लौकिक अर्थात संसार नहीं है, यह जगत नहीं है। लोके का अर्थ, लोके का अर्थ जो यहाँ पे लोके है शब्द है का अर्थ, तो फिर तो संसार नहीं है, है ना, यह जगत नहीं है। संसार में जो पौराणिक ग्रंथ है उनसे उनमें मालूम चलता है, समझ रहे, संसार में जो ऋषि मुनियों ने लिखी है ग्रंथ उनमें ये दो प्रकार के जीवों का वर्णन, किसमें वर्णन हुआ है, आज के अखबार में, किसमें, दो प्रकार के जीवों का वर्णन किसमें आज के अखबार में होता है, नहीं बोली, बोली। आप लोग के इधर कोई अखबार होता हो जिसमें वर्णन आता हो, है कोई अखबार? नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं होता है, समझ रहे हैं। संसार में जो ऋषि मुनियों ने लिखा है ग्रंथ उनमें दो प्रकार के जीव, लौकिक, लोके का अर्थ क्या है यहाँ पे, लोके का अर्थ क्या है यहाँ पे,
कह रहे हैं कि जो वेद के ज्ञान को आलोक प्रदान करता हो। आलोक मतलब समझ रहे हैं, मतलब कुछ है अब उसके ऊपर प्रकाश डालना, फोकस डालना, उसको समझाने का प्रयास करना, समझ रहे हैं ना, कोई शब्द है, कुछ विषय है, उसके ऊपर प्रयास डालना। जैसे श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के एक श्लोक के ऊपर तात्पर्य जब लिखते हैं तो क्या होता है, उस श्लोक के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, समझ रहे हैं, फोकस करा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, उस श्लोक के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोकस डाल रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इसलिए पुराण जो है वही चीज कह रहे हैं, जो पुराण है वह वेद के ऊपर टीका है, फोकस किया गया है। इसलिए लोक, लोके का अर्थ आलोक देने वाला, लोके का अर्थ आलोक देने वाला, प्रकाश देने वाला। तो लोके का मतलब पुराणों में जो प्रकाश दिया गया, वेदों में, स्मृति ग्रंथों में। दो प्रकार के जीवों का वर्णन है, एक है क्षर मतलब परिवर्तनशील। फिर आप कहेंगे कि प्रभु जी जीव तो कभी परिवर्तनशील नहीं होता, क्षर कहने का अर्थ क्या है, देखिए इसको भी समझने का प्रयास। क्षर कहने का क्या अर्थ है, जब जीव अपरिवर्तनशील है तो फिर क्षर कहने का क्या अर्थ है। अरे भौतिक शरीर, जीव तो अपरिवर्तनशील है, आप लोग इसको पहले से जान रहे हैं, लेकिन भौतिक शरीर जो है वह हमेशा परिवर्तित होते रहता है और इस कारण से उसको क्षर कहते हैं। हम सब क्षर हैं कि अक्षर हैं, क्षर है क्योंकि हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है। क्षर कहने का क्या अर्थ है, परिवर्तनशील है, हमारा शरीर परिवर्तनशील है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले आपका शरीर किसी दूसरे तरह का होगा, अभी दूसरे तरह से हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, फिर कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे चेंज हो जाएगा, है ना, तो ये चेंज होते रहते। तो हम सब क्षर है क्यों, क्योंकि हमारा शरीर परिवर्तनशील है, मतलब जो चेंज नहीं होती है वो अक्षर हो गया। अब भगवान कह रहे हैं क्षरा सर्वाणि भूतानि, क्षर मतलब समझ गए जो चेंज हो रहा है, और अक्षर मतलब जो चेंज नहीं हो। अब कह रहे हैं क्षरा सर्वाणि भूतानि, इस जगत में जितने भी जीव हैं वह क्षर हैं। क्यों क्षर हैं, क्योंकि हम सबका शरीर परिवर्तन, हम सब बद्ध होते हैं, बद्ध हैं और हो रहा है हमारे शरीर का परिवर्तन। तो कह रहे हैं कुटस्थो अक्षर उच्चते, मतलब कुटस्थ मतलब जो अपरिवर्तनशील है, और अक्षर मतलब नित्य मुक्त जीव, समझ रहे, कुटस्थ का मतलब अपरिवर्तनशील। क्षरा सर्वाणि भूतानि का अर्थ हुआ जो इस जगत में बद्ध जीव है वह क्षर कहला, क्योंकि उसका शरीर परिवर्तित। और आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के नित्य मुक्त पार्षद हैं, कुटस्थ हैं, मतलब वह एक से ही रहते, जैसे यशोदा मैया अनादिकाल से हैं और वह वैसे ही रहती हैं जैसे अन्य भगवान के पार्षद हैं, जैसे ही रहते हैं, मतलब एक फिक्स है, वो चेंज नहीं होते हैं। हमारा कि हम बदल रहे हैं लेकिन वो एक स्थान पे एक जैसे बने हो। अब यह कहाँ वर्णन है, तो पुराणों में, स्मृति ग्रंथों। अब शायद आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई यह सब जानकर हम कैसे हो जाएंगे, तो आपने कहा कि मुक्त आता है जी, हम लोग मुक्त कैसे हो जाएंगे, तो नित्यबद्ध नित्य सिद्ध यह कैसे है, इसको हम लोग मतलब या हम लोग जानते हैं कि प्रभु जी नित्यबद्ध है तो नित्य सिद्ध कैसे होगा, और जब जानेंगे तो उसको बनने की इच्छा होगी, घर से बैठ मुक्त हो जाएगा। 19वें 20वें श्लोक में आप पढ़ना, ठीक है, चर्चा होगा इस विषय, ये समझेंगे कि बद्ध जीव है और हम समझेंगे कि नित्य मुक्त जीव है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे नित्य मुक्त जीव बनने का, ठीक है, भगवान में मिल जाने का प्रयास नहीं करेंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी बना करके। और उसके लिए आप जानते हैं कि हमें भगवान की, ठीक है, तब व्यक्ति सिद्ध। ओके, बात पढ़ते हैं और हैं कि दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत च्युत मतलब जो भगवान से, एक च्युत का अर्थ यह भी होता है कि जो भगवान से अपने संबंध को भूल गया है,
है ना। द्यूत कौन है? जो भगवान से अपने संबंध को भूल गया है। और भगवान से हमारा संबंध क्या है? क्या संबंध है? दास का। इसका क्या संबंध है? दास मतलब भगवान की सेवा कर, और अच्युत मतलब जो भगवान से अपने संबंध को कभी नहीं। चेतन चरितामृत में इसका वर्णन आता है, गुंजे सेवा सुख, उनको पार्षद कहते हैं, वह भगवान की सेवा का सुख नित्य ही भोगते हैं। ठीक है, इंजॉयमेंट मना नहीं है, लेकिन सेवा का सुख भोगना चाहिए, इंद्र तृप्ति का दुख नहीं। समझ रहे? तो जो भौतिक जीव है वह क्या कर रहा है? इंद्र तृप्ति का दुख भोग, और जो आध्यात्मिक जीव है वह क्या कर रहे हैं? वह कृष्ण की का सुख। ठीक है, तो यह सब सुनकर क्या हमारे मन में विचार आता है? क्या अच्छा होता है मैं भगवान का पार्षद बन जाता और भगवान की सेवा का सुख पाता, क्या विचार आता है ना मन में? अब जनरली देखते होंगे कि जब हम लोग व्यक्ति देखता है भाई उनको प्रधानमंत्री का पीए है, सेक्रेटरी है अथवा व्यक्ति है का आदमी है, वह इतना सुख भोग पा रहा है, तो स्थिति लोगों की बोलते अरे मैं भी उसका आदमी बन जाता। तो अगर भगवान के पास इतना सुख है, अगर भगवान की बनने का प्रयास करेगा व्यक्ति, तो क्यों नहीं बनता? ठीक है, ये स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, भगवान कृष्ण अब वेदों के, ध्यान से सुनिएगा, भगवान कृष्ण अब वेदों के उस अर्थ को सार रूप में प्रस्तुत करेंगे जो श्री बादरायण ऋषि के द्वारा दिया गया है। बादरायण ऋषि किनको कहा जाता है? कौन? जो भद्रिका आश्रम में रहते हैं, कृष्ण द्वापरायण। वेद व्यास जी, लिंग समझ रहे हैं? लिंग समझने का प्रयास करिए। देखिए हमने क्या कहा था, हमने कल क्या सुना था? वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, वेदांकृत वेद विदेव चाहम। भगवान ने कहा कि वेद का अर्थ वेदांत के रूप में मैंने प्रस्तुत किया है व्यासदेव के रूप में, उनकी रचना करने वाला मैं हूँ व्यासदेव के रूप में। तो वेदांत का क्या ज्ञान है? जो भगवान जानते हैं उसको भगवान ने प्रेजेंट किया है, उसको भगवान इन श्लोक तीन श्लोक कह रहे हैं जो वेदांत में। देख रहे हैं भगवान की ब्रिलियंसी, पूरा वेदांत तीन श्लोक में भगवान ने, पूरा वेदांत भगवान ने अपने आपके सामने प्रस्तुत किया। हम समझ सकते हैं भगवान कितने महान है और ये तीन श्लोक का कितने महान। गुरु महाराज इस विषय में कहते हैं भाई कुछ लोगों को इस संसार में ज्ञान नहीं होता है ना, और बोलते बहुत है, तो ये हो गए। दूसरे कुछ लोगों को ज्ञान होता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान एक ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत सुंदर तरीके से ज्ञान भी है और बहुत सुंदर तरीके से बोलने भी आता है। क्या क्या बोलना है, किससे जीव को, कौन से जीव को क्या बोलना है, परफेक्ट तरीके से। ठीक है, आप वेदांत सूत्र पढ़ो पूरा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। मैं एक बार पढ़ने का प्रयास किया था, एक बार पढ़ा रहे थे, तो पढ़ो बहुत कम समझ में आया, ठीक ना, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा था। लेकिन वेदांत का ज्ञान भगवान इन तीन श्लोकों में भगवान बोलते हैं तो तुरंत समझ में आ जाता है। समझ में आ रहा है ना कि मैं बद्ध जीव हूँ, नित्य जीव होते हैं और भगवान दोनों के स्वामी। कितना ईजी है समझना इसे। आगे कह रहे, लोक शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा सत्य का अनुभव किया जाता है। लोक शब्द का अर्थ यहाँ वेद से, वेद में दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन है। वे कौन है? कहते हैं एक क्षर है, अर्थात जो अनेक परिवर्तनों से गुजरते हैं क्योंकि उनके शरीर नाश्वर होते हैं। समझ रहे हैं? क्लियर समझ लीजिए कि क्षर का अर्थ यह नहीं है जीव में परिवर्तन आता है, ध्यान रखिए जीव अपरिवर्तनशील है ना, जीव परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि इसको हम पहले ही गीता में सुन चुके हैं, जीवात्मा में कभी परिवर्तन नहीं आता है। फिर क्षर क्यों बोल रहे हैं? शरीर परिवर्तित। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि मन में बातें घुस जाएं, है ना, क्यों क्षर बोला जा रहा है? क्योंकि शरीर परिवर्तित, वह भौतिक जगत के संसर्ग के कारण बद्ध होता है।
जीव इस जगत का भोग करना चाहता है, ध्यान रखिए, और उसको शरीर दिया जाता है, या शरीर लगातार परिवर्तन है, इस कारण से कर कहा जाता है। अक्षर अर्थात दूसरे वे हैं जो अनस्वर शरीर होने के कारण एक ही अवस्था में रहते हैं, समझ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं है इसमें कभी कोई विकार नहीं हो, कभी कोई बुखार नहीं हो, कभी पेट दर्द नहीं हो, समझ रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि हम भावुकता में बोल रहे हैं, सामने भगवत गीता आप पढ़ सकते, सबका अधिकार है इसमें, और सबका अधिकार इसमें भी है, चलो भगवत धाम। और एक अवस्था वाले से उनका इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं होता है, वे मुक्त रहते हैं। ये बात को आप जरूर ध्यान रखना, ये बात आगे श्लोक नित्य मुक्त जीव को, जीवों को चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, इस भौतिक जगत से वो किसको कभी नहीं भोगते, भोगने के बारे में सोचते ही नहीं है, कि मन में आता भी नहीं है कि मुझे इस शरीर का भोग करना या मुझे इस जगत का भोग करना, नहीं, कभी नहीं आता। उन दोनों का आगे वर्णन हो रहा है, कर शब्द से ब्रह्मा जी से लेकर सभी अचर प्राणी तक, कर मतलब ब्रह्मा जी का शरीर ले लीजिए और नीचे एक चींटी का शरीर ले लीजिए, क्या है एकदम परिवर्तन। कुटस्थ अर्थात अक्षर जीव सदा एक ही अवस्था में अर्थात नित्य मुक्त अवस्था रहते हैं। बस एक बार प्राप्त हो गया ना, सारी कठिनाइयां तक, और प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं है, प्रभुपाद ने बहुत आसान कर दिया, संभाला जाप चार पालन कितना आसान, बहुत जानते हैं वैकुंठ पहुंच करके फिर आप सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते, इंजीनियरिंग वगैरह आप वहां से कर सकते, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू फर्स्ट फोर, संपूर्ण जीव समूह का एक वचन से श्लोक में कहा जा रहा है, परंतु पहले के श्लोकों में इनको बहुवचन से, यथा बहु ज्ञान तपसा भगवद गीता पूर्व और इदम ज्ञान उपाश्रित भगवद गीता का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं दो प्रकार के जीव, चार और अक्षर। अच्छा अब यहाँ पे बहुवचन कह रहे हैं, मतलब एक ही जीव है जो बहुत सारे भौतिक तत्वों में, भौतिक जीवों में, बद्ध जीवों के रूप में, नहीं यह नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे एक समूह लिया जा रहा है, बद्ध जीव सारे बद्ध जीवों को जो इंडिविजुअल हैं उनको एक साथ छर कहा जा रहा है। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग छर हैं कि नहीं, लेकिन क्या सब लोग एक ही व्यक्ति हैं, नहीं। तो अगर बोला जाए भाई हम सब बद्ध जीव गीता सुन रहे हैं, समूह में लेकर चलेंगे कि हाँ भाई बद्ध जीव एक शब्द में आ गया, हाँ भाई सभी बद्ध जीव मिल करके गीता सुन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यह समझना चाहिए हर व्यक्ति इंडिविजुअल बद्ध जीव है, और वह हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली बैठ करके भगवद गीता सुन, यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु जी एक आत्मा है बहुत सारे जीवों के रूप में वो कट 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 करके हुआ है और फिर बाद में मिल जाए, नहीं। भगवान 4.10 में कहे हैं बहु ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगतः, बहुत सारे जीव मेरे इस ज्ञान से शुद्ध होकर के मेरे पास आए हैं, इसलिए तुम भी प्रयास करो और मेरे पास आ, ठीक है। मतलब जीव बहुवचन मतलब बहुत सारे लोग गए, ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग पहले कर चुके हैं। एंड 14.22 में भी कहे हैं भगवान इदम ज्ञानम उपाश्रित, ठीक है, इस ज्ञान का आश्रय लेकर के जीव भगवान तक पहुंचे, ठीक है। तो बहुत सारे जीव पहुंचे हैं, मतलब वहां जाकर भी इंडिविजुअल ही है, ऐसा नहीं कि भगवान में जाकर के मिल गए, नहीं, इंडिविजुअल, ठीक है। तो यही बात कह रहे हैं, मायावादी फिलोसफी है कि भाई हम लोग अभी माया अभी भगवान से कट 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 करके आए हैं, आगे फिर मिल जाएंगे भगवान को, ये सब मायावादी फिलोसफी है, और मायावादी भाष्य सुनते होए सर्वनाश, ध्यान रखना चाहिए।
हरे कृष्ण बातचीत के तात्पर्य को और साथ ही साथ अगले ठीक है। हरे कृष्ण थैंक यू। कुछ प्रश्न भी है क्या? यस, थोड़ी सी भी की गई भक्ति बहुत बड़े से बचा सकती है। उदाहरण के तौर पर गजेंद्र इंद्रियों के शरीर में बहुत थोड़ी सी भक्ति थे, लेकिन अब देखिए वह थोड़ी सी भक्ति के साथ सुनो। यस, क्योंकि टाइम हो गया है, कल हम लोग ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।